अल्प प्रवास पर मंडला पहुंचे जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने सर्किट हाउस पर राम मंदिर के बहाने कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला है। विजय शाह ने कहा है कि कांग्रेस ने बड़े बड़े वकील खड़े कर सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का विरोध करती रही है। कांग्रेस राम के अस्तित्व को ही नहीं मानती है, नकारती रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का कहना है कि रामेश्वरम में कभी पुल बना ही नहीं। दिग्विजय सिंह कहा करते थे कि भाजपा कहती है कि राम मंदिर हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मैं दिग्विजय सिंह को बताना चाहता हूं कि 22 जनवरी को राम मंदिर की, रामलला की मूर्ति जो है स्थापित की जा रही है। अब हम मंदिर में उनका सिर भी झुकवाएंगे। राम विरोधियों की बात करना ही पसंद नहीं करता। आप सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के विरोध में बड़े बड़े वकील किसने लगाए? क्या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की पार्टी ने लगाए? क्या कपिल सिब्बल ने यह नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक है? क्या कपिल सिब्बल और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने यह नहीं कहा कि रामेश्वरम में कोई पुल है ही नहीं, कभी रावण राम कभी हुआ ही नहीं, सब काल्पनिक है? ये क्यों भूल जाते हो?